इसलिए भौतिक ताप का अर्थ होता है प्राणियों से मिला कष्ट, तो भौतिक क्षेत्र है प्राणियों का क्षेत्र, तीसरा है आध्यात्मिक क्षेत्र। आदि कहते हैं आधार को, आत्मा जिसका आधार हो वो आध्यात्मिक क्षेत्र है, मन वाणी और इंद्रियां शरीर ये सबका आधार आत्मा है, इसलिए देह अपना आध्यात्मिक क्षेत्र है। ये सब के विषय में हमें ठीक ज्ञान होना चाहिए। आदि दैविक क्षेत्र, ये सृष्टि कहाँ से बनी, किसने बनाई, कौन चला रहा है, मोटा मोटी लोग कहते हैं ईश्वर ने बनाई, ईश्वर चला रहा है। ईश्वर है विश्वव्यापी नियम, नियमों से जगत सब समय है, कहीं नए सिरे से बना नहीं है। पहले बीज है कि वृक्ष है, कहते बीज है, बिना वृक्ष के बीज कहाँ होता है, तो हाँ हाँ पहले वृक्ष है, तो बीज के बिना वृक्ष कैसे होगा, तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये सब समय है, मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी, सब समय है। ये संसार कहीं से शुरू नहीं हुआ है, सदा है, सदा रहेगा। इसमें रह करके हमें थोड़े दिन अपने कल्याण का काम करना है, उस पर जोर देना चाहिए। पानी कैसे बरसता है, प्राकृतिक नियमों से, प्रकृति के अपने नियम हैं, उससे पानी बरसता है, कोई देवता नहीं बरसाता है। जब पानी नहीं बरसता और सूखा पड़ जाता है तो लोग प्रार्थना करने लगते हैं, हवन करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, ये भटकाव है। जिन कारणों से पानी बरसता है वो प्राकृतिक है, जड़ है, ना आपके कीर्तन से उससे मतलब है, ना प्रार्थना से, ना हवन से, जड़ प्रकृति की योग्यता होगी पानी बरसेगा, नहीं योग्यता होगी नहीं बरसेगा। लेकिन अंधविश्वास, अंधविश्वास पुराना है। भूचाल कैसे आता है, पुराणों में लिखा है कि बैल, शिव जी का बैल अपनी सींग पर पृथ्वी को रखे, तो एक सींग पर रखे रखे जब दुखने लगता है वो सींग, तो दूसरे पर जब करता है तो हिल जाती है पृथ्वी, भूचाल आ जाती। शेषनाग के लिए लिखा है, शेषनाग अपने फण पर रखे हैं तो एक फण से दूसरे पर बदलते हैं तो भूचाल आ जाता है। तो कहीं लिखा है कि पाताल में परियां होती हैं, वे जब जोर से नाचती हैं तब भूचाल आ जाता है। ये सब लाल भुजक्कड़ी बात है, ये प्रकृति के भीतर के आंदोलन से ऐसा होता है। कल्पना करो पृथ्वी में पानी और आग दोनों है, आप जानते हैं पृथ्वी में बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, नाले बहते हैं, इसी से स्रोत तो आपको मिलते हैं, और इसी में आग भी है, ज्वालामुखी कहीं कहीं फूटता है, मानो पास में आग है, अंदर दहक रही है और थोड़ी दूर पर पानी की धारा बह रही है, और धीरे धीरे बीच की दीवार कटते कटते कट गई, तो क्षण मात्र में करोड़ों टन पानी आग में पहुंच गया और भाप बना, तो पृथ्वी डगमगाएगी। तो प्राकृतिक नियमों से भूचाल आता है। चंद्र सूर्य ग्रहण कैसे होता है, राहु ग्रस्ता है कोई राक्षस, आजकल विज्ञान पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि चांद सूरज पृथ्वी एक सिधाई में आने पर ग्रहण लगता है, दिखाई नहीं देता अगला हिस्सा। तो आधिदैविक क्षेत्र को हमें समझना चाहिए, ये जड़ प्रकृति का विस्तार, कि अपने नियमों से सदा चल रहा है, चलता आया है, चल रहा है, चलेगा।
उसमें आपका जादू मंत्र झाड़ फूक मंत्र कीर्तन हवन तर्पण काम नहीं करेगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जो जुगाड़ लगाना हो अपने काम के लिए लगाइए। सूखा पड़ गया है तो पानी बोरिंग से कुआं से नदियों से जो ले पावे करें। अधिक पानी बरस जाने से नुकसान हुआ है तो उसमें जो बन सके सुधार कीजिए अपने खेती गृहस्थी का, लेकिन प्रकृति को आप बदल नहीं सकते। अंधविश्वास बहुत है। आप घर से चले किसी काम के लिए और कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गया, और कोई खाली घड़ा लेकर के सामने आ गया तो काम बिगड़ गया, और पानी से भरा घड़ा लेकर के आया तो काम बन गया। ये दोनों झूठ है। भरा घड़ा देखने से लाभ है और न खाली घड़ा देखने से हानि है। छींकने से कोई नुकसान नहीं होगा। कोई टोक दिया कहाँ जाते हो तो कहते विघ्न हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दाहिनांग फड़कता है कि बायांग फड़कता है कोई चिंता मत करो। वायु विकार से अंग फड़कते हैं, उसमें कोई शकुन अपशकुन नहीं है। कहते हैं रास्ते में काना ब्राह्मण मिले तो काम बिगड़ जाएगा। दूसरा काना मिले तो नहीं बिगड़ेगा, ब्राह्मण ही दोषी। सन्यासी मिले तो अशुभ है और वेश्या मिले तो शुभ है। पंडितों ने सन्यासियों क्यों ऐसा कहा? क्योंकि सन्यासी आएंगे तो ज्ञान की बात बताएंगे, उनका कर्मकांड ठंडा होगा और कर्मकांड से उनकी पुजाई होती है, इसलिए सन्यासियों का दर्शन अशुभ माना पंडितों ने, बल्कि वेश्या का शुभ माना। सुवर देखना शुभ है, सन्यासी को देखना अशुभ है, ये पंडितों की लीला है। और अगर आपने तेली देख लिया और तेल लिए है कहीं तो सारा काम बिगड़ गया। सबसे बड़ा अशुभ है तेल लिए तेली सामने आ जाए। और रोज आप तेल खाते हैं तेल लगाते हैं अशुभ नहीं होता है, तेली अशुभ है। अगर तेली अशुभ है तो आज से तेल छुओ ना, अब आपके घर में जो तेल रखा उठा के फेंक दो। तेल का खूब मच करके जम करके उपयोग करते हो, तेली को बदनाम करते हो। अछूत किसको हमने माना? जो अन्न पैदा किया, फर्नीचर बनाया, कपड़ा बुना, कपड़ा सिला, रुई धोना, मशीनें बनाई, ये कर्म करों को हमने अछूत कहा, लेकिन उनके कर्म फलों को अछूत नहीं कहा। मजदूरों ने अन्न पैदा किया, अपने पैर से रगड़ करके वसाया साफ किया और उसको हम कूट पीस करके खाए, भगवान का भोग भी लगाए, लेकिन जब वो सामने आया तो कहा अछूत है। उसके पैर के नीचे का गेहूं अछूत नहीं, उसको हम खाते हैं, लेकिन वो आदमी अछूत है। बढ़ई हमारा फर्नीचर बनाया, घर का पूरा मकान का लकड़ी का सारा काम बनाया, उसमें हम रहते हैं, लेकिन बढ़ई को अछूत मानते हैं। धोबी से कपड़ा धुला लिया पहनते हैं, और जराहा से कपड़ा ले लिया पहनते हैं, लेकिन जराहा धोबी अछूत है। नाई से बाल बनवा लिया, जब वो बाल बनाया तो पानी मुंह में भी लगाया मोछ में भी लगाया, अपने हाथ का पानी मुंह में पिलाया, लेकिन दूसरे समय में अछूत है। ये सब अज्ञान का पसारा है। शकुन अपशकुन नाम की कोई चीज नहीं। अपशकुन है अपना दुष्कर्म, शकुन है अपना शुभ कर्म। दिशाशूल आप मानते हैं, जैसे मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध अगर उत्तर जाओगे तो काल है,
तो मंगल बुध को भी बॉम्बे से दिल्ली के लिए ट्रेनें छूटती, बसें छूटती, तो क्या सबका एक्सीडेंट हो जाता है? और गुरुवार को दक्षिण जाओगे तो मौत है, लेकिन गुरुवार को भी दिल्ली से बॉम्बे के लिए बसें ट्रेनें छूटती हैं। दिशा शोर बिल्कुल झूठ है, योगिनी दहने हैं कि बाएं है, ये सब बकवास। बच्चा पैदा हो तो तिथि लिख लो, तारीख लिख लो, समय लिख लो, जन्म कुंडली न बनवाओ। जन्म कुंडली बनवाओगे तो शोक मोह में पड़ोगे, उसमें एक एक रेच पेच पंडित निकालेंगे और भ्रम पैदा होगा। किसी हिंदू और सवर्ण के घर में, पढ़े लिखे घर में जब बच्चा पैदा हुआ, पंडित को दिखाया तो पंडित ने कहा कि ये सत्ताईसा में पड़ा है, सत्ताईसा एक होता है, उसमें पड़ गया है तो उसकी आवाज़ सुनना पिता को हानिकारी है, और लड़के का पिता आवाज़ सुनेगा तो उसका विनाश है। तो घर में पिता न जाए, मुंह न देखे बच्चे का। 27 दिन के बाद पूजा होती है तो 27 जंगल की लकड़ी लाई जाती है, 27 कुआं का पानी लाया जाता है, बड़ा बड़ा विधान है। 27 मैंने पूजाई देखी, जब ये शरीर घर में था तब देखा है। 27 टोटियों का एक घड़ा बनता है करवा, उसमें तेल भरा जाता है, पंडित उसको घुमा करके तेल गिराता है, मंत्र फूंकता है। लेकिन उसी समय एक मजदूर घर में बच्चा पैदा हुआ, पंडित के पास नहीं गया है, इसलिए उसको 27 चक्कर नहीं है। उसका बच्चा खेलता है, खाता है, पिता भी उसको उठा करके गोद में खिलाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो, मेहनत करो, किसके भाग को कौन जानता है। आज से 2.5 वर्ष पूर्व हो रहा है क्या कि 1.5 वर्ष, जब चुनाव हुआ लोकसभा भवन का, सारे ज्योतिषियों ने कहा कि अटल जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, सब के सब, कोई ज्योतिषी नहीं कहा कि नहीं गड़बड़ जरा दिखता है, अब अटल जी नहीं हुए तो सब ज्योतिषी दुम दबा के बैठ गए, कोई सफाई नहीं दे पाए। ये ज्योतिष जाल की पोल पट्टी, गणित ज्योतिष ठीक है, जिसके आधार पर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बताया जाता है, और फलित ज्योतिष बकवास है। कहीं अगर ज्योतिषी आया है तो मतलब यह है कि फलित ज्योतिष भाग बताने वाला अपना भाग्य नहीं जानता है। एक भविष्य वक्ता एक जगह सबका भविष्य बता रहा था, तो वहां का राजा उसको बुलाया कि अगले दिन आओ। आया तो बहुत खुश था, राज दरबार में जाऊंगा, खूब लाभ होगा, लेकिन उसने 2 वेद पानी में भिगवा दिया था। और उसके पहुंचते ही 2 नौकरों को कहा कि इसको पीटो उसी वेद से, वेद से पीटा जाने लगा, बहुत रोने लगा वो। जब खूब पीटा गया तो राजा ने कहा छोड़ दो, उसके देह में दवाई की मालिश करवाई गई, बैठाया गया। राजा ने कहा तुम्हारी क्या विशेषता है? कि हुजूर मैं भविष्य ज्ञानी हूँ। राजा ने कहा तू अपना भविष्य नहीं जानता था कि राजा यहाँ जाएंगे पीटे जाएंगे, हमारा भविष्य बताने आया? अपने फिरे कोढ़ी ओ कदम्बर, दूसरे को धन दे मानो है विशंबर। अपने फिरे निर्वंश मिलता है नजदाना, दूसरे को देवे पुत्र नाती धन खजाना। ऐसे टोना टुटका में कभी मत पड़ो, भूत प्रेत आपको लगते हैं तो बैगा सोखा भुआ आता है, पता नहीं मराठी में उसको क्या कहते हैं, तो आता है तो फूंकता है, झाड़ता है,
और भूत पकड़ ले जाता है। भूत नाम की कोई चीज नहीं। प्रेत भूत प्रेत होते हैं तो कहाँ रहते हैं, उनके घर घोंसला कहाँ है, खान पान क्या है, टट्टी पेशाब कहाँ करते हैं। बकरी की टट्टी देख करके हम जान लेते हैं बकरी की टट्टी है। अगर हाथी ने टट्टी की है तो पता लग जाता हाथी की टट्टी है। भूत प्रेत की टट्टी आपने कभी देखी है? घर घोंसला देखा है? उनका वंशानुक्रम कहाँ है? एकदम भ्रांति है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं और इसमें समाज भ्रमित है। और ये सब पुराकाल से चले आ रहे हैं, ये मान्यताएं शास्त्रों में भी लिखा है, अथर्व वेद में भूत प्रेत सब लिखा है, ज्ञान भी है और भूत प्रेत भी है। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं कि सभी पुस्तक का आदर करो लेकिन निर्छीर विवेक करो। पुराकाल से धर्म शास्त्रों के नाम पर ज्ञान की बातें लिखी गई हैं और भ्रम की बातें भी लिखी गई हैं। लेखक अनेक हैं, इसलिए कोई बात इसलिए न मानो कि पुरानी है, इसलिए भी न मानो कि हमारे पूज्य ने कहा है, इसलिए भी न मानो कि बहुत लोग इसको मानते हैं, इसलिए भी न मानो कि प्रामाणिक शास्त्र में लिखा है, किंतु ये विचारो कि वो क्या है। लोग कहते हैं अमुक ग्रंथ में लिखा आप नहीं मानते हैं, हम ऐसी चिंता क्यों करें किस ग्रंथ में लिखा है। हमें ये देखना है कि क्या लिखा है और किस दृष्टि से लिखा है। अतिशयोक्ति में भी लिखा रहता है, कुंभकर्ण का लिखा गया योजन तीन तीन के काना, करीब 38-38 किलोमीटर में एक एक कान थे, योजन एक मूछ रही ठाड़ी, 13 किलोमीटर में उसकी मूछ खड़ी थी, कौन नाई बाल बनाता था, कैसा उस्त्रा होता था उसका। सत योजन तन भरे न जाई, 1300 किलोमीटर में उसका शरीर था और लंका बहुत छोटा सा है। तो अलंकारों में लोग बात कहते हैं, कभी नहीं आप लोग भी कहते हैं। आपके सामने भोजन दाल आई, दाल भात, दाल में घास के दो कण पड़े हैं, आपने कहा यार इसमें एक टोकरी घास डाल दियो, घास के दो कण एक टोकरी कैसे हो गए। आपने अपने लड़के से कहा पानी लाओ प्यास लगी है, पानी पीऊंगा बाजार जाऊंगा, 2 मिनट में लाना चाहिए तब 5 मिनट लग गए। आपने कहा तुम 6 महीना पानी लाने में बिता दोगे, 5 मिनट और 6 महीने में कितना फर्क होता है। आप लोग भी अतिशयोक्ति अलंकार में कहते हैं, खाली कभी ही नहीं कहते। तो इसलिए कैसे कहा गया है, सूरज 7 घोड़ों के रथ पर चलता है, इसका मतलब है 7 रंगों की उसमें किरणें हैं। सूरज आग का गोला है, दहकता पिंड, लो वो रथ पर चलता है, तो रथ किसने बनाया है, कौन रथ है कि जो गलता नहीं। तो कथन की बात पर परीक्षा करनी चाहिए, आंख मूंद करके नहीं मानना चाहिए। महाकवि कालिदास ने कहा पुराण मित्तेव न साधु सर्वम न चाप्य काव्यम नवमित्तवद्यम, संतः परीक्षान नितरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि। पुरानी होने से सारी बातें मानी नहीं जा सकती और नई होने से कोई बात सत्य है तो न माना जाए, कैसे न माना जाए। पुराण होने से सत्य नहीं, नया होने से असत्य नहीं। संता परीक्षा नेत्रत भजन्ते, संत जन परीक्षा करके उसको ग्रहण करते हैं। मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि पर प्रत्येने होती विश्वासी मान लेती है।
सत्य वचन महाराज, एक पंडित जी कथा कह रहे थे, एक भगत बैठा रहा है तो हर बात में कहे सत्य वचन महाराज। तो उन्होंने सोचा इसकी परीक्षा करनी चाहिए, ये समझता मचता है कि ऐसे कहता है। तो पंडित जी ने कहा, एक जंगल में मधु का बड़ा छत्ता लगा था, उसने कहा सत्य वचन महाराज। तो कहा कि एक पक्षी ने उसमें चोंच मार दिया, तो मक्खियां उड़ी और चली गई नागपुर, कहा सत्य वचन महाराज। तो कहा एक गुड़ का व्यापारी था, उसके दरवाजे पर 10-10 किलो गुड़ का चाक पड़ा था, तो एक एक चाक पर एक एक मक्खी बैठी, उसने कहा सत्य वचन महाराज। तो कहा एक एक मक्खी एक एक चाक लेके उड़ गई, कहा सत्य वचन महाराज। तब पंडित ने समझा कि ये खाली कहता है सत्य वचन महाराज, समझता नहीं। मक्खी 10 किलो का गुड़ का चाक कैसे लेके उड़ सकती है, लेकिन कहते हैं। अगर किसी महात्मा को बता दिया जाए आपको कि वह 300 वर्ष के हैं, तो आप कहेंगे भाई होंगे महात्मा है, 300 वर्ष का कोई नहीं होता, 100 वर्ष के अंदर सब मरते हैं, कुछ लोग 100 से ऊपर जाते हैं। और वेदों में भी यही कहा है, जीव एम श्रद्धा शतम, 100 वर्ष जिए, श्रद्धा शतात कहीं कहा गया है, यानी 100 से ऊपर, कई 100 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष कोई नहीं जीता, ये पुराणों में लिखा है। पुराण लिखने वाले बड़े घाग थे, बड़े जबरदस्त, जो मन में आए लिख दिए। राजा प्रीवर्त 11 अरब बरस राज्य किए, सोचो 11 अरब बरस, उनके रथ का पहिया जहाँ जहाँ गया समुद्र बन गया, ये सारे समुद्र राजा प्रीवर्त के रथ के पहिया की लीक। अब इतना बड़ा पहिया और रथ किसने बनाया था, कौन घोड़ा खींचता था। तो जान पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जान पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे माड़वारी, माड़वारी वहाँ पहुँच करके व्यापार कर लिए जहाँ आज तक गाड़ी नहीं पहुँची है। इसी प्रकार कवि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है उसकी कल्पना पहुँच जाती है। इसलिए जो वातावरण में बातें हैं या किताबों में हैं सब मानने योग्य नहीं है और सब त्यागने योग्य नहीं, हमें निरक्षीर विवेक करके मानना चाहिए। वेद हमारे प्रिय हैं, कुरान बाइबिल भी प्रिय है, राम कृष्ण प्रिय हैं, मोहम्मद ईसा बुद्ध महावीर भी प्रिय हैं, हिंदू समाज प्रिय है, इस्लाम ईसाइयत यहूदियत सब प्रिय है, पराए यहाँ कौन है, सबको आदर देने की जरूरत है। लेकिन विवेक को सबके ऊपर रखना चाहिए, विवेक से हमें हर जगह निर्छील का निर्णय करना चाहिए। ये माताएं भी चावल और कंकड़ को पहचानती है, चावल में से कंकड़ निकाल करके भात बनाती है, चोकर निकाल देती हैं आटा से, वैसे ज़्यादा भूसी इत्यादि को तो निकालना चाहिए और चोकरदार आटा का रोटी बनाना चाहिए, बहुत महीन आटा नहीं पिसाना चाहिए, मोटा आटा होना चाहिए। पानी छान करके सज्जन लोग पीते हैं, सब जगह आप जानते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। ज्ञान के विषय में भी निर्भय होकर के परीक्षा करें, अंधविश्वास में न पड़ें। भूत प्रेत राम की कोई चीज नहीं है, जादू टोना कुछ नहीं होता है। आकाश में हाथ लहराया और घड़ी आ गई, घड़ी कैसे बनती है, घड़ी बनने में बहुत समय लगता है। आकाश में हाथ लहराने से घड़ी बनती, मिठाई बनती, वो रखे रहते हैं, उनके हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई, ये सब से वो सब दिखाते हैं, चीज रखे रहते हैं और दिखाते हैं।
देखो जो ये कर रहे हैं, ये जादूगर हैं जो बैठे हैं, ये जादू घंटा घंटा दिखाते हैं और पर्दाफाश करते हैं। एक बार तो दिल्ली में शामियाना से पानी बरसा दिए, सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन वो ट्रिकबाजी थी। उधर छत पास में थी, छत से पानी फेंकवा दिया गया था और उसी समय जोर से ताली लगाने कहा गया। सब ट्रिकबाजी है, जालसाजी है, जितना जादू कहते हैं सब जालसाजी है। तो हमारे साधु समय समय से जादू इसलिए दिखाते हैं, हर जादू दिखा के बताते हैं कि ये ऐसे मैंने दिखाया, इसमें मंत्र वंत्र कुछ नहीं है, इसलिए कहीं भटकना नहीं। पर्दाफाश करने के लिए दिखाते हैं। इलाहाबाद के अधिवेशन में जब कुवार दशहरे के बाद कुवार शुक्ल त्रयोदशी चतुर्दशी शरद पूर्णिमा को बड़ा अधिवेशन होता है, उसमें कभी कभी दिखाते हैं, हर साल नहीं दिखाते, कभी कभी दिखाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में भी भ्रमण हुआ था, उसमें भी दिखाए थे। तो जादू नाम की कोई चीज नहीं है। बात की सफाई, ऐसी बात करेंगे उनके मुंह को आप देखते रहेंगे, हाथ से कुछ को कुछ बता देंगे, वो धरे रहेंगे, वो दिखा देंगे। वस्तु की बनावट उनकी ऐसी होती है। सांप बिच्छू काटने छेदने से, मंत्र झाड़ने से जहर नहीं उतरता है। सांप अगर काटे झट से हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। आजकल सांप के जहर को मारने का इंजेक्शन है, और ऐसे झाड़ाते फुकाते रहोगे तो आदमी मर जाएगा। अगर जहरीला सांप है तो, नहीं जहरीला है तो झाड़ने से अच्छा क्या हो, तो अच्छा होने। सांप कम होते हैं जो जहरीले होते हैं, ज़्यादातर तो जहरीले नहीं होते। अगर जहरीले ने काट लिया है तो इंजेक्शन से कंट्रोल हो सकता है, झाड़ फूक तो बिल्कुल बेकार की बात है। बिच्छू ने छेद लिया तो झड़वाते हैं, झाड़ने वाला कुछ दवाई भी परोक्ष रूप में करता तो उससे अच्छा होता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव, झाड़ता है, सहलाता है, देखो यहाँ उतर आया ना, तो कहते हैं हाँ उतर आया, और उतरा उतरा कुछ नहीं, वो घुल गया है जहर रक्त में, तो फू करने से कैसे दूर हो जाएगा। इन अंधविश्वासों से ऊपर रहिए। देवी देवता प्राणी हैं, प्राणियों के पर देवत्व बुद्धि रखिए, इनका सत्कार कीजिए। परमात्मा आत्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा आप खोज करके कहीं नहीं पाएंगे। ये बात वेद शास्त्रों में भी है, कबीर वाणी में भी है, और जो सगुण उपासक हैं वे भी अंत में इसको कहते हैं। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, लेकिन वे भी कहते हैं अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। प्रभु निर्विकारी प्रभु तो हृदय ही में, कहत सकल घट राम में तो खोजत कई काज, तुलसी कह या कुमति सुन उर आवत अति लाज। सब घट में राम है तो बाहर क्यों खोजते हैं, ये लज्जा की बात। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, वे भी ये कहते हैं। इसलिए ज्ञान हर तरफ साफ होना चाहिए, और इसके लिए निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष हुए बिना सच्चा ज्ञान नहीं होगा। अंधविश्वास में माताओं को भटका देना और सरल है, ये बड़ी भावुक होती हैं। सभी माताओं को सावधान होना चाहिए, किसी अंधविश्वास में न पड़े, ज्ञान के पथ पर चलो, निर्भय रहो। आपकी गलती के अलावा आपका नुकसान करने वाला कोई नहीं। किसी को तकलीफ पर तकलीफ हुई तो कहते किसी ने कुछ कर दिया है, घर का कोई प्राणी मर गया, कुछ दिन में बैल मर गया, कुछ दिन में व्यापार में घाटा हो गया, तो जरूर किसी ने कुछ कर दिया है। क्या कर देगा कोई। महाराज राम को शाम को बताया गया कि तुम्हें गद्दी दी जाएगी, और सुबह बताया गया 14 वर्ष का वनवास।
और वशिष्ठ गुरु बैठे थे ज्ञानी, उनसे उन्होंने नहीं पूछा कि महाराज जरा मेरा लगन मुहूर्त देखिए, जरा हाथ देख लीजिए, मेरा भाग्य देखिए, क्या चक्कर हो गया महाराज, कुछ पूजा उजा करवा दीजिए जिससे ग्रह शांत हो जाए, ये सब कुछ नहीं कहे, चल दिए जंगल। और हम लोग उनके भक्त हैं, अनुगामी हैं, तरीक तरीक में भटकते रहते हैं। श्री राम ने कहीं ये टोना टोटका किया पूरी यात्रा में, रामायण में आप देखो हर जगह उन्होंने सहा, कर्म किया। हम लोग भटक रहे हैं, भटको मत। कोई अदृश्य शक्ति आकाश में नहीं तैर रही है जो आपके ऊपर कूद पड़े और आपको तकलीफ दे। आपके गलत कर्मों के अलावा आपको दुख देने वाला कोई नहीं, और आपके अच्छे कर्मों के अलावा आपको सुख देने वाला कोई नहीं। ये सच्चा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का आचरण होना चाहिए। जानते तो हैं, आचरण नहीं करते हैं तो भी काम नहीं बनेगा। जो जो जानो आचरण में लाओ। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तकलीफ हो गई, बच्चा बीमार हो गया, किसी ने कहा भाई तो प्रेत बाधा है। बच्चे के पिता ने कहा खैर प्रेत हो तो हम नहीं मानते हैं। नहीं बाबू, शास्त्र में लिखा है, परंपरा में है, आप कैसे नहीं मानते। अब उनका मन डामाडोल हो गया। खैर कोई बात नहीं है, झड़ा फूका लेने से कोई हर्ज नहीं है, हो चाहे ना हो। मन ढीला हो गया, झड़ाने चले गए, बहुत झड़ाने चले गए। ये कमजोरी है, ऐसे अंधविश्वास में कभी पड़ो मत। ठगने वाले लोग, चमत्कारी बाबा एक एक आते हैं जो धोखा देते हैं। एक ने एक से कहा आप गुरु किए, कहे कि कहे ईश्वर के दर्शन कराए, कहे नहीं कराए, तो कहे हमारे गुरु पास आ जाओ तुरंत दर्शन करा देंगे। ये धोखा के सिवा क्या है? दर्शन जिसका होता है वो रूप होता है। रूप पांच विषयों में एक विषय है, इसलिए जिसको आप ईश्वर परमात्मा ब्रह्म कह सकते हैं वो आत्मा है। वो दिखाई नहीं देता है किंतु देखता है। ये चक्षुषा न पश्यति, एन चक्षुंस पश्यति, तदेव ब्रह्मत्वं विद नेदम यदम उपासते। ये उपनिषद में कहा गया, जिसे आंखें नहीं देखती किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसे तो ब्रह्म जान। आँखों से देख करके जिसकी तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्य नेदम यदम उपासते। जो मन में नहीं आता किंतु जिसके द्वारा मन मनन करता है उसको तो ब्रह्म जान। मन से मान करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। ऐसे कई मंत्र कहा गया। गोस्वामी जी ने भी कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। गो इंद्रियां गोचर विषय जहाँ तक मन जाए सब माया है। ऐसा संतों ने ऋषियों ने कहा, मराठी संतों ने भी कहा होगा, उसका अध्ययन मेरा ना होने से मैं उसका उदाहरण नहीं दे पा रहा हूँ। आप लोगों में जानते होंगे, शास्त्रों में तो है ही है, विभिन्न मतों में है। जो दिखाई देता है सुनाई देता है वो माया है, जो देखने सुनने वाला है वो ब्रह्म है। वो सब के अंदर में बैठा है, वही आप हैं। आप तुच्छ नहीं, आप ब्रह्म हैं, महान हैं, श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म का अर्थ होता महान। इसलिए जिस महानता को आप खोजना चाहते हैं बाहर, वो बाहर नहीं है, आप में है। अनुभव क्यों नहीं होता है? हर आदमी दीन बना, दुखी, भयभीत, पीड़ित, संतापित क्यों है? क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं। और थोड़ा ज्ञान हो भी गया तो आचरण नहीं करता है।
जब आदमी अपने इंद्रियों को वश में करेगा, मन को वश में करेगा, विषय वासनाओं को जीतेगा, मोह को जीतेगा, तब उस अवस्था को पाएगा। करने से होगा आध्यात्मिक उन्नति में महारोड़ा है, चमक दमक में मोह। ये बाहर की चमक दमक ये हमें फटकाती, और सारी चमक दमक क्षणिक, जवानी थोड़े दिन की, मित्रों का मिलन थोड़े समय का है, पद थोड़े दिन का है, जितनी मर्यादाएं थोड़े दिन की हैं, सब खो जाती है। अभी कुछ दिन पहले अटल जी जहां चलते थे कमांडो साथ में, अस्त्र शस्त्र लिए अनेक लोग खड़े रहते थे, अब उनके पास कोई नहीं। अब जिनके पास नहीं खड़े रहते थे उनके पास खड़े। ये बदलने वाली चीज, सब क्षणिक, सब क्षणिक, सब क्षणिक। बड़े बड़े सेठ, उनके बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, एक कमरे में बेचारे बैठे, और जो बिल्कुल एक छोटी सी दुकान करते थे बड़े सेठ बन गए, और उनका भी परिवर्तन सब पक्का है। संसार का सब कुछ आगमा पाई क्षणिक है, स्थिर नहीं, और इन्हीं में हमारा मन चिपका है, इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, आत्म शांति नहीं मिलती। इसके छूटने क्या उपाय है? जो इससे छुटे हुए हैं ऐसे संतों और सज्जनों से मिला करो। संत हैं गृहस्थी में, सज्जन भी हैं जो साधक हैं, उनसे मिलो। जैसे डॉक्टरी के विषय में आपको राय लेना है तो बड़े और अनुभवी डॉक्टर से राय लो, वकालत में राय लेना है तो बड़े वकीलों से राय लो जो अनुभवी हैं। हर दिशा में अनुभवी लोग होते हैं। जो संत भक्त साधना करते हैं उनसे समय समय से मिलो, और उनके पास एक दो दिन चार दिन रह लो, उनको अपने यहाँ बुला करके सेवा करो और उनका सत्संग लाभ लो। ऐसे ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो जिसमें निर्णय वचन है, रोज पढ़ो, रोज पढ़ो, रोज समय निकालो। पेट धंधा और प्रपंच में पूरा समय बिता देते हो। आजकल तो पढ़े लिखे लोग नींद खुली तो अखबार, और रात में नींद लेने के पहले टीवी, अखबार में राजनीतिज्ञों की झुठाई, और टीवी में तमाम बिकारी बातें। ये सब आध्यात्मिक नुकसान के अलावा और क्या करेंगे? अखबार न पढ़ें ऐसा मैं नहीं कहता, व्यवहारिक लोग अखबार पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लें, ज़्यादा उसमें न लगावें मन। टीवी में कोई अच्छी चीज़ हो देख लें, ज़्यादा न देखें, न देखें तो अच्छा है। समय निकालें, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें। आजकल सुविधा है ज्ञान के प्रवचन के कैसेट सुनें, ध्यान करें, चिंतन करें, अपना निरीक्षण करें कि क्रोध की मात्रा पहले जितनी थी उतनी ही है कि घटी, काम की लंपटता घटी है कि बढ़ी है कि वैसे है, झुझलाने की आदत, पेटू बनने की आदत। कुछ लोग होते हैं बहुत ठूस ठूस के खाते रहते हैं, अगर ऐसी आदत है तो इसको हम सुधारें कि नहीं? गलतियों को देखें, अगर गलतियां घट रही हैं और अच्छाइयां बढ़ रही हैं तो जीवन में उन्नति हो रही। झीकना, खींचना, चिड़चिड़ाना, दुखित होना, असंतुष्ट होना, व्याकुल होना, उद्वेगित होना, अगर ये सब है तो उन्नति नहीं हो रही, पतन हो रहा है। अगर शांति, सहन, क्षमता, शील,
संतोष, धीरज, विवेक, ये सद्गुण बढ़ रहे हैं तो सफलता हो रही है। अपने को परखें और देखें, आत्मनिरीक्षण करें, चिंतन करें। चिंतन और ध्यान में अंतर है। स्वाध्याय है सदग्रंथों को पढ़ना। वैसे स्वाध्याय का अर्थ है अपने स्वभाव को परखना, स्व का अध्ययन। लेकिन ज्ञान के ग्रंथों का पढ़ना भी स्वाध्याय कहलाता है। चिंतन है असलियत को सोचना। शरीर नश्वर है, सब कुछ मट्टी का धूल है। देखो इतने लोग बैठे हैं, सबका शरीर क्या है? मिट्टी के ढेर। ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बाद मरने के होता यही है, या तो तुर्बत बनेगी जमी पर या चिताओं में जलना पड़ेगा। हर मनुष्य मिट्टी की ढेर है। अंदर में चेतना आत्मा अविनाशी तत्व विराजता है और खोल शरीर मिट्टी की ढेर है। ये टूटने वाला है। आज से 30 वर्ष पूर्व मेरा अपमान हुआ था, मुझे घाटा हुआ था, शरीर में रोग लगा था तो कष्ट हुआ था, मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया था। उस समय हम बहुत डामाडोल हो गए थे। आज वो कुछ नहीं है। अब उस पर हम याद करते तो हंसी लगती है। आज से 20 वर्ष पूर्व मुझे लाभ हुआ था, नए नए मित्र बने थे, सम्मान मिला था, पद मिला था। आज उनका कोई मूल्य नहीं। वर्तमान में जो हानि और लाभ मिल रहे हैं, 4 दिन में उनका भी कुछ मूल्य नहीं रहेगा। सोचो इसको। अपना जीवन ही गुरु बनाओ। बाहर गुरु की जरूरत है, तभी तो बताएगा। अपने दोषों को गुरु बनाओ। जिन गलतियों से तकलीफ हुई है उन गलतियों को न दोहराओ। अपने को समझो। ये शरीर हड्डी का ढांचा है, चाम का थैला है, ऊपर से लपेटा है, अंदर में टट्टी पेशाब भरी है। यही तो शरीर है। इसलिए इसमें रमणीयता कहाँ है? एक युवती को देख करके युवक आकर्षित होता है कि युवती के शरीर में सुख है, और युवती युवक के शरीर में सुख खोजती है। अगर युवक और युवती के शरीर में सुख होता तो युवक अपने शरीर के सुख को लेकर और युवती अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहते। न उसके शरीर में सुख है, न उसके शरीर में सुख है। एक भ्रांति है। इस भ्रांति से ऊपर उठो। काम वासना उद्वेलित करती है आपको तो क्या पाते हैं? उद्वेगित हो गए, चंचल हो गए। अब अकेले में संतोष नहीं है, दूसरा चाहिए। पुरुष है तो स्त्री चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए। न मिले तो व्याकुल, मिले तो छीण हुए, मलिन हुए, फिर पछताए। क्या पाए? गृहस्थी को चलाने के लिए पत्नी इकट्ठे हैं, गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 चक्के हैं, विषय वासना के लिए नहीं। केवल संतान के लिए संजोग उचित है। वेद के मंत्रों के रचयिता करीब करीब सब गृहस्थ हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि विषय विलास के लिए विवाह कर रहा हूँ या करना चाहिए। संतान के लिए कहा। इसलिए गृहस्थों को भी संयम से रहना चाहिए। 1-2 बच्चे हो गए, संयम से रहो। बाल पकने लगे, एकदम संयमी हो जाओ। 1 बार 2 बार 10 बार अनेक बार देख चुके हो जिसमें पछताना पड़ा है, फिर वही काम क्यों करते हो? अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं,
एक बार ठगावे बावन वीर कहावे, बार बार ठगावे कप्पू नाथ कहावे। एक बार धोखा खा गया फिर नहीं धोखा खाए तो वीर है, और बराबर धोखा खाए तो गप्पू नाथ है, बेवकूफ़ है। क्यों बेवकूफ़ बनूं? शराब पी करके आपने क्या कल्याण किया अपना? बीड़ी तमाकू गुटखा पान पराग नशा के सारे पदार्थ खा करके आपने नुकसान किया। पान जिसे कहते हैं, पान का पत्ता कोई चबाता है? जब तक उसमें कत्था ना हो, चूना ना हो, जाफरानी ना हो, सुपारी ना हो, तब तक पान का मज़ा कहाँ है? और ये सब स्वास्थ्य के नाशक हैं। जान जान करके सुधार नहीं किया जा रहा है। जाने समझें सुधारें कदम उठाएं, अपने पर विवेक करो, चिंतन करो, ध्यान करो। ध्यान के लिए अपने मन को जहाँ आप अच्छा मानो लगाओ, अपने गुरु में लगाओ। जिन महापुरुष को मानते हो उनके चित्र के आधार पर उसी में मन लगाओ। अब आंखें बंद कर लो, बंद आंखों में जो दिखाई दे अंधकार प्रकाश उसी में मन लगाओ, सांस पर मन लगाओ, कहीं मन लगा करके ठहराओ। अंतिम ध्यान है सारे विचारों को छोड़ देना, कुछ न सोचना, ध्यान है। आपसे मैं कहूँ ध्यान करो सब, तो यहाँ कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कबीर का, कोई बुद्ध का, कोई किसी का ध्यान करने लगा। मैंने कहा आप सब विचारों को छोड़ दो, आपने सब विचार छोड़ दिए, तब क्या रहा? विचार में ही राम कबीर कृष्ण करीम सब हैं। विचार शांत हुए, मन शांत हुआ तो कुछ नहीं रहा, सन्नाटा, वो अंतिम स्थित है। सनत कुमार ने कहा है छांदोग्योपनिषद में, यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद विजाना सभूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थित है, अंतिम स्थित है। देखना सुनना जानना बंद करो। रूमी साहेब हुए हैं ईरान में अच्छे सन, उन्होंने कहा है चश्म बंदो गोश बंदो लभ्य बंद गर नवीनी सर्रे हक बर्मन बखन। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। मतलब अपने को समेट लो। साहेब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, काहे कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले तब जड़ बन जाए अनाड़ी, और सारे अहंकार को छोड़ करके निर्मानी हो जाए, उसका कोई पल्ला पकड़ नहीं सकता है। अध्यात्म की ऊंचाई है सब में से अपने को निकाल लेना। असंग आत्मा, असंग है, अकेला है, अकेला आया है, अकेला जाएगा, और हर समय अकेला है। इतनी भीड़ है यहाँ लेकिन सब अकेले अकेले हैं। बिस्तर में जाएंगे अकेले रहेंगे, मौत में जाएंगे अकेले रहेंगे, नींद में जाएंगे अकेले में रहेंगे, जीव अकेला है। इस अकेलेपन का जितना अनुभव होगा उतना मोह शोक घटेगा। तो ये सब जब अकेले में आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तब आध्यात्मिक कमाई होगी, तब जीवन में सद्गुणों की चरितार्थता होगी, संतोष बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, सहन बढ़ेगा, हर सद्गुण पुष्पित पल्लवित होंगे। दुर्गुण घटते जाएं, सद्गुण बढ़ते जाएं, तो कल्याण की भूमिका बनती चली जाएगी। जीवन का असली काम यह है, केवल नखरे में जीवन बिता देना? कमाना खाना तो जरूरी है, लेकिन कमाने में नखरा, खाने में नखरा, कपड़े में नखरा,
मकान में नखरा, दुकान में नखरा, नखरा बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिए कि असली काम छूट गए। आजकल तो ड्राइंग रूम सजाते हैं लोग तो अलमारी में दो तीन टोकरी कबाड़ लाके रख देते हैं। जिनके ड्राइंग रूम में जितना कबाड़ है उतना ज़्यादा सजा हुआ है। अब आदत एक देख करके दूसरे क्यों ये बटोर रहे हो, बस दूसरे बटोरे हम भी बटोर रहे हैं, कुछ पता नहीं कि क्यों बटोर रहे हैं। देखा देखी बाहरी चमक दमक में हम अपने को उलझाते जाते हैं। बाहरी होड़, किसी के पास कार है तो हमारे पास कार क्यों नहीं, कोई साधना में है तो हम साधना क्यों ना करें, ये समझ में बात नहीं आती। क्योंकि कोई साधना में है तो उसके पास जाएं तो हम साधना क्या देख पाएंगे, वो तो उसकी चीज़ है, उसके देह को देखेंगे, कपड़े को देखेंगे, बात को सुनेंगे, ये गोपनीय वस्तु है। इसलिए इसके लिए पटतर और होड़ नहीं हो पाती है। बाहरी चीज़ों के होड़ में लोग पड़े हैं और पूरा जीवन बिता देते हैं बच्चों के खिलौने में। बच्चे खेलते हैं तो उसके खेलने में तो उनको परिश्रम होता है, व्यायाम होता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन जो ये जवान और बुजुर्ग लोग माया मोह में अपने को डाल करके खिलौने में खेल रहे हैं, उसमें तो सब नुकसान कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान सही हो और ज्ञान का आचरण सही हो। अब आचरण करने वाले हम आप हैं और कौन कर देगा। कहते महाराज जब ईश्वर की कृपा होगी तब होगा। इसका मतलब है गलती ईश्वर की है, हमारी गलती नहीं। जो हम नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर अभी कृपा नहीं कर रहा है। ये सब बहाना लेकर के कितना समय बिताओगे, आपके ऊपर कितनी कृपा चाहिए। इतना बड़ा भूमंडल आपको मिला है, हवाएं मिली हैं, नदियाँ, समुद्र, तारे, चांद, सूरज, सड़कें, ये शहर, बाजार, देहात, खेत, खलिहान, शरीर, इंद्रियाँ, मन, संत, गुरु, ग्रंथ, सब तरफ से तो आपको सब कुछ कृपा हो रही है आप पर। अब अपनी कृपा अपने ऊपर न करोगे कैसे काम चलेगा। सबकी कृपा काम न करेगी जब तक अपनी कृपा अपने ऊपर न करोगे। एक कमरे में एक आदमी बंद है, बाहर से ताला लगा है, भीतर से ताला लगा है, तो बाहर का ताला तो बाहर वाला खोल देगा, भीतर का ताला आपको खोलना पड़ेगा। संत गुरु सज्जन बाहर से बताएंगे, अंदर से आसक्ति की गांठ आपको तोड़ना पड़ेगा। परिवार की सेवा करो, स्वजनों परिजनों से शुद्ध व्यवहार करो, लेकिन इतना भी तो ध्यान देना चाहिए कि इन सब का संबंध आजकल में खत्म हो जाने वाला है। सतगुरु कबीर ने कहा है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ ना ही के बीच में साहेब रहा समाए। शरीर, प्राणी, पदार्थ, अगर इन्हें हम कहें कि है तो है नहीं, हमारे बाबे दादे के रहा और कुछ नहीं रह गया तो हमारा कहाँ रहेगा। लेकिन जब तक है तब तक नहीं कहते नहीं बनता, व्यवहार तो करना पड़ेगा। इसलिए हाँ ना ही के बीच में साहेब रहा समाए। विवेकवान हाँ ना ही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। मेरा शरीर है कितने दिन के लिए है ये पता नहीं, लेकिन ये पता है कि आज कल में खो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। और जब खो जाएगा तो कितने दिन के लिए खोएगा, सदा के लिए। है तो बहुत थोड़े समय के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। थोड़े समय के लिए है और हम सोचते हैं है मानो सदा के लिए है, और अनंत काल के लिए नहीं, उस पर कभी सोचते ही नहीं, दूसरा पक्ष देखते ही नहीं।
मोह ममता जितना जोर से कर मिले अच्छा मानते हैं, इन सब के वियोग को भी देखना है ख्याल ही नहीं करते। जन्मदिन लोग मनाते हैं, अब विवाह दिन भी बनाने लगे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग, धनी लोग, सेठ लोग शहरों में विवाह दिन मनाने लगे हैं। धनी लोगों को एक एक नकलबाजी लग जाती है, पैसा है बेकार की, बेकार के पैसे हैं, उसको भी कहीं फूकना है। विवाह दिवस अब धनी लोग मनाने लगे हैं। एक 85 वर्ष का बुढ़वा सेठ विवाह दिवस मना रहा था, तो लोग कहे ये मूर्खता दिवस मना रहा है। विवाह को भूलना चाहिए कि विवाह को याद करना चाहिए? मौत को याद करना चाहिए, जिससे मन का मोह दूर हो। विवाह को याद करोगे तो और मोह बनेगा। विवाह में दूल्हा बने थे एक दिन, अब दूल्हा बनने का चांस नहीं रह गया। किसी बूढ़े से कहो कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता, तो चिढ़ जाएगा बेचारा, वो कहेगा चुप रहो बकवास मत करो। किसी बूढ़े को अच्छा लगेगा? तो लोग मौत की याद नहीं करते, दूल्हा बनने की याद करते। और मौत की कोई याद करा दे तो कहे चुप रहो अशुभ न कहो। मौत अशुभ है और विवाह शुभ है। अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं कि 100 बारात में जाओगे तो नरक होगा और 100 मृत मनुष्यों के अंत्येष्ट में जाओगे तो स्वर्ग होगा। विवाह में लोग जाते हैं बारात में तो बूढ़े भी चिबिल्ले बन जाते हैं, बूढ़े भी श्रृंगारिक बात करते हैं। और किसी की मौत में जब जाते हैं दाह संस्कार में दफनाने, तो जवान लोग भी कहते भैया दुनिया झूठी, मौत की याद होने से हमारा नशा उतरेगा, विवाह को याद करने से नहीं, जन्म को भी याद करने की ज़रूरत नहीं। तो जरूरी है कि हम मौत के दिन को देखें, सबके वियोग को देखें, अंत को देखें, तब हमारा मन ज्ञान में बलवान होगा, शोक से मुक्त होगा। मन की अनाशक्ति हुए बिना परमार्थ में मन नहीं लगेगा, अंतरात्मा में मन नहीं लगेगा। मन बाहर है भीतर है, बाहर है तो भीतर कैसे आए? बाहर चिपका है इसलिए बाहर से नहीं लौटता है। क्यों चिपका है? राग रंग मानकर, राग रंग झूठा है। जब ये बात सोची जाए, समझी जाए, संसार की हकीकत देखी जाए, तब ये दशा आएगी। इसलिए निवेदन है कि जितने नर नारी हैं सब ये ध्यान दें, अपने में अकेले बैठें कुछ समय के लिए, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ें, चिंतन करें, ध्यान करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मशोधन करें। जैसे दुनिया रुई धुनता है, एक एक रेशे को अलग अलग कर देता है, वैसे हम अपने मन को धुनें, सारे विकारों को अलग करें, निर्विकार मन करें। निर्मल मन के समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं है। धन की उपलब्धि, पद की उपलब्धि, प्रतिष्ठा की उपलब्धि, गुरुवाई महंती की उपलब्धि, सब तुच्छ है। मन की निर्मलता की उपलब्धि सबसे ऊंची, मन की निर्मलता ही से गहरी शांति मिलेगी, अचल संतोष मिलेगा। और वो काम हमें और आपको ही करना। मैंने आपसे कहा था कि ज्ञान हमारा सही होना चाहिए और आचरण भी सही होना चाहिए। ज्ञान के विषय में भी मैंने कई बातें कही थी, आचरण के विषय में भी। इन दोनों दिशाओं में ध्यान देना चाहिए। निष्पक्ष होने से हमारा ज्ञान सही हो सकता है, निष्पक्ष नहीं होगे तो ज्ञान सही नहीं होगा। निष्पक्ष होकर के जिज्ञास बन करके सत्य के खोजी बने,
और निर्भय होकर के सत्य को स्वीकारें और विषय वासनाओं मोह ममताओं से अपने मन को समेट कर अंतर्मुख होने का काम करें। करो रे मनवादिन की तदवीर, जब जमराजा आने पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत नयनन भरी है नीर, भाव सागर एक अगम पंथ है नदी बहत गंभीर, नाव नबेरा लोक घनेरा केवट है बेपीर, घर त्रियार दंगी बैठी मात पिता सुतवीर, माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर, लयके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर, कहें कबीर न रजहूँ चेतो माप होत तकसीर। अंतिम दिन को देखें, सदगुरु कबीर राम और मौत ये दो की याद ज़्यादा कराते हैं। मौत की याद कराने से मन का मोह टूटता है और राम की याद होने से चित्त आश्वस्त और संतुष्ट होता है। मौत में हमारा सब खो जाएगा लेकिन राम हमारा खोने वाला नहीं, राम हमारा अंतरात्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल है, कल्याण स्वरूप है। यह समझ करके साधक आत्म